हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर बुधवार की शाम ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार डाउन लाइन पर काला झरिया रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर गिट्टी डाला गया था। भागलपुर से यशवंतपुर जाने वाली अंग एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी कि अचानक स्टोन डस्ट उड़ने लगा। ट्रेन में सवार लोगों को लगा कि आग लग गई है और लोगों ने चेन पुलिंग कर दिया। इसके बाद ट्रेन वहां रुक गई। ट्रेन से यात्री घबराहट में नीचे उतरने लगे, तभी अपलाइन पर लोकल ट्रेन अचानक पहुंच गई। इस आपाधापी में भागने के क्रम में 2 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद अफवाह का बाजार गर्म हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन, लोकल पुलिस सभी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य करने में जुट गए। खोजबीन के क्रम में 2 शव बरामद किए गए। वहीं SDM आनंद कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए 2 की मौत की बात कही। साथ ही अस्पताल को भी अलर्ट कर दिया गया और हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात की गई। आयुक्त जामताड़ा से भी बातचीत किया है, उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी रात को ही दिए थे और उनसे बातचीत भी हुआ। उन्होंने बताया कि अभी 2 कैजुअलिटी की जो है पुष्टि हुई है, लेकिन जो 12 लोगों के दुर्घटना की बात आ रही थी उन्होंने उसको स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी, पुष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी हमने उनको निर्देशित किया है कि जो भी लोग काल के गाल में समाए हैं उनके परिजनों को तुरंत इसकी जानकारी दी जाए और उनके साथ जो भी उनको हम आवश्यक मानवीय सुविधा दे सकते हैं उस सुविधा दिया जाए। प्रखंड के पास जो काली झरिया जो ये रेलवे फाटक है वहाँ पे जो पैसेंजर गाड़ी जो रुकी थी, जो पैसेंजर कुछ उतरे हैं और इस बीच जो लोकल ट्रेन जा रही थी उसके चपेट में आने से कुछ लोगों को कटने की सूचना मिली थी। तो उसके बाद हम लोग RPF और जिला पुलिस बल के साथ हम लोग यहाँ पे सर्च अभियान किए हैं। अभी तक 2 बॉडी रिकवर हुई है और साथ में हम लोग हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी रिक्वेस्ट किए हुए हैं रेलवे से, और जल्दी जारी होते ही हम लोग भी प्रशासनिक जिला प्रशासन स्तर पर भी उसको हम लोग टेलीकास्ट कर देंगे, सो दैट कि जिनके भी परिजन हैं उसके बारे में जो जानकारी लेना चाहते हैं ले पाएंगे। और साथ में हम लोग जो हमारे अस्पताल हैं वहाँ पे भी सुपरवाइज़र को रखे हुए हैं, मेडिकल ऑफिसर को रखे हैं कि कोई भी अगर घायल भी हैं इलाज के लिए आ रहे हैं तो उनके बारे में सूचना कलेक्ट कर लें, सो दैट कि उनके परिवार को हम लोग इन्फॉर्म कर दें कि भाई पैनिक होने की बात नहीं है, उनके बारे में जो भी सूचनाएँ होंगी उनको तक पहुँचा दें। घायल कितने लोग हैं सर? घायल की सूचना नहीं, इसी के लिए हम लोग जो हॉस्पिटल लेवल पे सुपरवाइज़र या मेडिकल ऑफिसर को रखे हुए हैं कि जो भी अगर पहुंच रहे हैं इलाज के लिए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में या चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो उसके बारे में जानकारी को एकत्रित। घटना क्या सर? कारण अब रेलवे से पूछ के ही या जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। रेलवे के अधिकारी RPF के आए हुए हैं यहाँ पे। बहुत से यात्री देखिए पैदल जा रहे थे। रात्रि करीब 7-7:30 बजे के बीच में भागलपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस रुकी हुई थी, उसमें सूचना मिली थी कि कुछ आग लगने वाली बात के रूमर्स भी उड़े थे। उसी में लोग ट्रेन से नीचे उतर गए थे जो गाड़ी रुकी हुई थी, और इतने में अपलिंक में आसनसोल जसलडी मेमो एक ट्रेन आ रही थी जिससे 2 लोगों के टकराने की सूचना मिली है, जिसमें कि 2 लोग हताहत हुए हैं और स्पॉट डेड हो गए, जिनको कि एम्बुलेंस से हम लोगों ने सदर अस्पताल जामताड़ा पहुंचा दिया है। और अभी तक किन्हीं घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली, फिर भी हम लोग सर्च कर रहे हैं। और जो लोग ट्रेन पकड़ के अगले स्टेशन पे चले गए दूसरी ट्रेन में, उन लोगों से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं, यदि उनको फर्स्ट एड की ज़रूरत होगी तो फर्स्ट एड भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। सर अफवाह जी? अफवाह है, बिना कन्फर्मेशन की जो न्यूज़ या सोशल मीडिया पर चल रही है खबर, इस बात का हम लोग खंडन, जामताड़ा पुलिस खंडन करती है। 2 लोगों की अभी कैजुअलिटी हुई है और बाकी आगे जैसा होगा आप लोग को अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।